ये ऑटोमेटिक आलू बुआई करती है, चार खुड़ एक साथ चलते हैं, आप देख लीजिए। हमारे यहाँ तो ये मोगा खालसा की आती हैं, दो खुड़ वाली। तो ये कहाँ की बनी जी? खालसा मेरठ। ओहो, मैं खालसा की बुराई कर रहा था, ये तो खालसा की निकल गई। कोई बात नहीं भाई, थारी है खालसा वालों। हमें पता नहीं था इतना बड़ा तामझाम भी बना दो, कि हमने तो दो रखी थी, वे दो नफरी बैठा लेते दोनों साइड में, वे छोरी बैठ के का आलू घेरो जा उनमें, ड्राइवर ट्रैक्टर को टुलक टुलक चलाओ जा, कहीं छोड़ दे। हाँ कहीं बस जल्दी मैं भूल जा, बातों में लगी रहा लौंडी। 50 HP ट्रैक्टर हमारा मैसी कैसा काम करेगा जी? वाली अच्छा वो भी थी। हाँ तो बिना मतलब खड़ा ही है जी। मैसी पर फ्री है, किसका नाम ले रहे? मैसी उठा लेगा, मैसी पिचान में सोचा लगेगा उसमें। हाँ यह हाँ, उसमें कई कुंटल वेट रखा हुआ भी है इसे, तो भाई वो चाहिए जिसके सिर पे 20 कुंटल वजन लगा हुआ। फिलहाल टोटल वेट है 34 कुंटल से ऊपर है। बताइए 34 कुंटल का ट्रैक्टर चलाता है इसे, अब ये कोशिश कर रहा है मैसी 35 पे, अभी बेचारे मैसी 35 है, वो उसे जोर लगा रहा है उस पर, वो क्या करेगा बेचारा। तो भाई ये बड़ी कॉस्टली मशीन है। अच्छा जी, ये इनका देखिए इंजन का कैसा जुगाड़ है, ये फ्रेम पे है ट्रैक्टर की, लिफ्ट में लगाओ, हाइड्रोली उठाओ, और पीछे पंखा लगा है, इस पर बेल्ट चलती है साइड में, और अपना कहीं भी जाकर लगा दो बोरिंग पे। ये है हमारी वाली आलू मशीन खोदने की, हमारे कैटेगरी की जो हम चलाते थे। और ये आयशा ट्रैक्टर है, ये भी छोटे किसानों के हिसाब से था, ये DT14 के पहिए रखे इन्होंने, इन पहियों को ये किसी भी ट्रैक्टर पर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो जुताई करनी पड़ती है ना, बारीक खून का पोवा ना टूटे। अब 30 साइज के टायर लगा के तो सबका नाश कर देगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नमस्कार।